हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं आपके सामने टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फॉर एमपीएट एंट्रेंस एग्जाम। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ओलंपियाड का मतलब है। आंसर इज डी, दो ओलंपिक खेलों के बीच का जो समय कहलाता है वो ओलंपियाड कहलाता है। अगर ओलंपिया है, ओलंपिया तो वो एक प्लेस का नाम है, वो एक ग्रीस में एक प्लेस है, ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर टू, ग्रीक काल में कुश्ती स्कूल को किस नाम से जाना जाता था। आंसर इज सी, पैलेस्ट्रा। क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्रीक काल के दौरान मेडिकल जिम्नास्टिक में एक अथॉरिटी कौन था। आंसर इज ए, हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस सन में खेले गए। आंसर इज बी, 1896 ग्रीस, जिसको हम बोलते हैं एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न ओलंपिक के फादर कौन है। पेरी डी कुर्बिटिन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द्रोणाचार्य सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है। आंसर इज डी, बीबी भागवत। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एशियाई खेलों के जन्मदाता कौन हैं। आंसर इज सी, गुरुदत्त सोंदी। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 न्यू दिल्ली में की गई थी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, वह संस्था जो एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है। किसी भी गेम को कंडक्ट कराने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों को कंडक्ट कराने के लिए, OCA। क्वेश्चन नंबर नाइन, रोमन सम्राट जिसने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। आंसर इज सी, थियोडियस। 394 AD में इन्होंने ओलंपिक पर रोक लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर टेन, वर्ष 1994 के एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे। आंसर इज डी, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, जापान में खेले गए थे, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 11, इनर लोड मींस इंटरनल लोड के लक्षण मींस सिम्टम्स क्या हैं। आंसर इज डी, चिंता, तनाव, एंजाइटी, टेंशन जो है इंटरनल लोड के सिम्टम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुपर कंपनसेशन तब होता है जब वजन और रिकवरी के बीच पर्याप्त अनुपात हो। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, लाभदायक आराम का प्रयोग किस दिशा में होता है। आंसर इज ए, इंटरनल प्रशिक्षण, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, दिनचर्या के कार्य को पूरा करने के लिए योग्यता चाहिए। आप डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है शारीरिक क्षमता। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, सोशियो मैट्रिक्स एवं सोशियोग्राम का आविष्कार किसने किया। आंसर इज डी, मैरिनो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, भावनात्मक स्थिति का अधिकतर संबंध होता है। आंसर इज ए, संपूर्ण मस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक दबाव की दशा होती है। आंसर इज बी, खिलाड़ी को अहितकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन नियम नहीं है। आंसर इज सी, लॉ ऑफ रिएक्शन। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एक बार आपको अच्छी तरीके से देखना है और आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू।